8 नवंबर 2016 वर्तमान में जारी 500 रुपये और 1000 रुपये के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन का टाइम मांग रहे हैं। वो तो हम कह रहे हैं 100 दिन में उनके साथ है। भूखा भी रहना पड़ेगा तब भी रहेंगे, भूखे रह के भी उनका साथ देंगे। आज मध्य रात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल नहीं रहेंगे। 8th of November was a black day for our economy. Their primary object is to serve the family and our primary object is to serve the nation. प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी की वो आउट एंड आउट डिजास्टर था। देश में आम जनता सरकार के फैसले का समर्थन कर रही है और ये भी सच है कि काला धन रखने वालों की नींद उड़ गई है। तो दो नंबर का काम करता था वो कम हो जाएंगे। जितना आउट स्टेशन माल जा रहा है सब सिस्टमेटिक जा रहा है, अंगड़ी से जा रहा है और एवरीथिंग इज सेफ। लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखें तो इंडिया को सबसे ज्यादा इसी का फायदा। नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। आपने जो अभी देखा वो नोटबंदी के 1 साल का ट्रेलर था जिसके किरदारों में आप हैं, हम हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, सरकार की पूरी मशीनरी है, सरकार के फैसले का विरोध करने वाला विपक्ष भी है और उसमें विलन की भूमिका में आतंकवाद है, ब्लैक मनी है जिसकी हार होती है। कल यानी बुधवार को नोटबंदी की सालगिरह है। इस मौके पर हम आपको नोटबंदी के 365 दिनों की पूरी फिल्म दिखाने वाले हैं। आपको जी न्यूज पर जो भी खबर दिखाई जाती है उसकी सत्यता की जी न्यूज पहले कई पैमानों पर पड़ताल करता है। तो हम आपको बता दें कि जी न्यूज की हर कसौटी पर नोटबंदी के सालगिरह की हर कहानी खरी है। तो आइए अब देखिए नोटबंदी की सालगिरह पर 20 दिलचस्प कहानियां। साल भर पहले 8 नवंबर को 8 बजे प्रधानमंत्री के नोटबंदी के ऐलान के बाद सबकी नींद उड़ गई थी। मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपये और 1000 रुपये के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होंगी। 1000 और 500 के नोट पर पाबंदी को 1 साल बीतने को है। नोटबंदी बड़े बड़े मंचों पर बहस का मुद्दा बनी। नोटबंदी के फायदे नुकसान पर आम से लेकर खास सभी ने अपनी राय रखी। इन 365 दिनों में सब कुछ धीरे धीरे शांत हो गया, लेकिन सियासत में नोटबंदी पर दंगल अब तक चल रहा है। 38th of November was a black day for our economy and indeed for our democracy. I remember feeling shocked when I heard the Prime Minister's announcement and I wondered who advised him to inflict such a reckless step on our nation. हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनावों में विपक्ष के लिए जीएसटी के साथ साथ नोटबंदी सबसे बड़ा मुद्दा है। विपक्ष नोटबंदी के नुकसान गिनाकर गुजरात और हिमाचल में वोट बटोरने की तैयारी में है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नोटबंदी को लेकर संसद में दिए अपने बयान को दोहराया। उन्होंने कहा कि ये एक सरकारी लूट थी। वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नोटबंदी के कई फायदे गिनाए। नोटबंदी को 1 साल हो जाने के बाद भी विपक्ष ने नोटबंदी के मुद्दे को जिंदा रखा है। 2 राज्यों में विधानसभा चुनावों में वोट के लिए नोटबंदी का जमकर इस्तेमाल हो रहा है।
वोट की खातिर कांग्रेस नेता और यूपीए राज्य के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह गुजरात जाकर नोटबंदी के नुकसान गिना रहे हैं। डीमोनेटाइजेशन हैज प्रूव टू बी मेयर ब्लस्टर टू रीप पॉलिटिकल डिविडेंड्स व्हाइल द रियल ऑफेंडर्स हैव एस्केप्ड। आई रिपीट एज आई स्टेटेड इन पार्लियामेंट दिस वाज ऑर्गेनाइज्ड लूट एंड लीगलाइज्ड प्लंडर। कांग्रेस की नोटबंदी सियासी चाल का बीजेपी भी जवाब दे रही है। कांग्रेस नोटबंदी के नुकसान तो बीजेपी नोटबंदी के फायदे गिना रही है। एथिक्स के मामले में भी कांग्रेस का और हमारा दृष्टिकोण बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। देयर प्राइमरी ऑब्जेक्ट इज टू सर्व द फैमिली एंड आवर प्राइमरी ऑब्जेक्ट इज टू सर्व द नेशन। मनमोहन सिंह ने सवाल उठाया कि पीएम मोदी ने किससे पूछकर नोटबंदी का फैसला लिया। सवाल पूछने से बेहतर ये होता कि मनमोहन सिंह यही बता देते कि पीएम मोदी को किससे पूछकर ये फैसला लेना चाहिए था। तो वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि नोटबंदी से देश का भला हुआ। वहीं विपक्ष ने दावे को गलत बताया और कहा कि इस फैसले ने देश के विकास को काफी पीछे धकेल दिया। नोटबंदी पर विपक्ष के हमले पर सरकार की अपनी दलीलें हैं। सरकार का कहना है कि नोटबंदी का फैसला भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत फायदेमंद कदम है। नोटबंदी देश की अर्थव्यवस्था की भलाई का सूत्रधार है। An anti-black money drive is an ethical drive. An anti-black money step is a moral step. What is morally and ethically correct has to be politically correct. विपक्ष ने दावा किया कि नोटबंदी की वजह से जीडीपी में रिकॉर्ड गिरावट आई है। देश के हर सेक्टर पर नोटबंदी ने असर डाला है। नई नौकरियां नहीं होने से बेरोजगारी बढ़ी है। वाइड स्प्रेड रिपोर्ट्स ऑफ द रिच कन्वर्टिंग देयर ब्लैक मनी इनटू वाइट व्हाइल द पुअर हैव अंडरगॉन इमेंस सफरिंग। सरकार विपक्ष के दावों से इत्तेफाक नहीं रखती। सरकार का कहना है कि जीडीपी में गिरावट तात्कालिक है। सरकार वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट का हवाला देकर कह रही है कि आसान कारोबार के मामले में भारत टॉप 100 देशों में है। नोटबंदी के फैसले को पीएम मोदी ने अर्थव्यवस्था की सेहत सुधारने और ब्लैक मनी को लेकर बहुत बड़ा फैसला बताया था, मगर विपक्ष एक साल पूरे होने पर उस फैसले पर सवाल उठा रहा। 8 नवंबर 2016 को पीएम मोदी ने नोटबंदी के ऐलान के साथ कहा था कि ये फैसला ब्लैक मनी पर लगाम लगाने के लिए है। अब नोटबंदी पर साल पूरा हो रहा है, लिहाजा इस मामले पर सरकार ने अपने दावे को सच बताया है और कहा है कि 2 लाख फर्जी कंपनियां पकड़ी गई। ये कंपनियां ब्लैक मनी छुपाने का स्रोत थी। 18 लाख बैंक खाते भी संदेह के घेरे में है, जिनमें करीब 2.25 लाख रुपए जमा है। सरकार 17 लाख पैन कार्ड्स और 23 लाख अकाउंट होल्डर्स की आय से अधिक संपत्ति के मामले में भी जांच कर रही है। 1.8 मिलियन पीपल वो आइडेंटिफाई हुए जिन्होंने डिपॉजिट किए हैं जो डिस्प्रोपोर्शनेट है, और आज उनको उसके लिए टैक्सेशन अथॉरिटीज के सामने जवाबदारी देनी पड़ती है। शेल कंपनीज जिनका प्रयोग इस मामले में होता था, आज टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उनका आइडेंटिफिकेशन इसमें सरल हुआ है। विपक्ष का दावा है कि अगर सिस्टम में मौजूद पूरा पैसा लौट आया या करीब 99%, तो काला धन कहां गया, जबकि सरकार ने 3 से 4 लाख करोड़ वापस नहीं आने की बात कही थी। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने नोटबंदी का फैसला लेने के पीछे वजह गिनाई। उन्होंने कहा कि इस वजह से आतंकी और नक्सली घटनाओं में काफी कमी आई। ब्लैक मनी पर सर्जिकल स्ट्राइक के अलावा नोटबंदी का फैसला लेने के पीछे आतंकवाद और नक्सलवाद भी बड़े कारण थे। सरकार नोटबंदी लागू करके आतंकवाद और नक्सलवाद की कमर तोड़ना चाहती थी। सरकार के मुताबिक नोटबंदी अपने मकसद में कामयाब हुई है। आतंकवादी घटनाओं और नक्सलवाद में क्रांतिकारी गिरावट देखने को मिली है। मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, आंकड़ों के आधार पर मैं कहना चाहता हूं, टेरर फंडिंग में और एक्सट्रीमिज्म और नक्सलिज्म, इनकी फंडिंग में भी कमी आई है। गृह मंत्री के इस दावे पर नक्सल प्रभावित राज्य छत्तीसगढ़ के डीजी नक्सल ऑपरेशन ने मुहर लगाई है। उनका कहना है कि नोटबंदी के कारण नक्सल संगठन आर्थिक रूप से कमजोर हो गए हैं।
पिछले साल नवंबर से और अब तक एक साल में सिर्फ दो घटनाएं जो बुरकापाल और भेजी में सीआरपीएफ के साथ ही उनको यदि हम निकाल देते हैं जो कि एक दूसरी आरोपी ड्यूटी में हुई थी तो ये सर्वाधिक सफल वर्ष रहा है। दावा यह है कि बीते एक साल में सबसे ज्यादा 156 नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया गया है जिन पर 4,30,00,000 रुपए का इनाम था। छत्तीसगढ़ के नक्सल इतिहास में ये एक रिकॉर्ड है। नोटबंदी के फैसले को लेकर विपक्ष कुछ भी कहे लेकिन सेना का भी दावा है कि उस फैसले ने आतंकवाद की कमर तोड़कर रख दी है। कश्मीर घाटी में आतंकी घटनाओं में नोटबंदी के बाद काफी कमी आई। नोटबंदी की वजह से आतंकवाद की कमर टूटने के सरकार के दावे की तस्दीक सेना भी करती है। पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद से प्रभावित कश्मीर घाटी में तैनात सेना मानती है कि नोटबंदी आतंकवाद पर लगाम लगाने में बेहद सहायक रही है। In my understanding, definitely it has an effect because militancy needs some money to sustain. And in the absence of adequate funds, you are seeing recent incidents of bank looting, ATM looting, so which clearly shows the relationship between the availability of funds and the propensity for militancy to grow. नोटबंदी ने यकीनी तौर पर आतंकवाद पर प्रभाव डाला है। आतंकी गतिविधियों के लिए आतंकी संगठनों को फंड की जरूरत होती है। फंड नहीं होने के हालात में कश्मीर में बैंकों में हुई लूट इसी का नतीजा था। कश्मीर पुलिस ने भी नोटबंदी का समर्थन किया। कश्मीर के आईजीपी ने कहा कि हवाला के जरिए आतंकवाद को होने वाली फंडिंग पर लगाम लगी है। आफ्टर डिफरेंट से वेरिफिकेशंस या रिपोर्ट्स या सोर्स रिपोर्ट जो हमारे फील्ड स्टाफ करते हैं उससे हमें लगता है कि अभी भी वी आर लेफ्ट विद अराउंड 16 टू 20 कैडर्स ऑफ जैश ए मोहम्मद इन वैली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि नोटबंदी की वजह से देश के बैंकों में काफी पैसे जमा हुए। उन्होंने इसे देश में आर्थिक सुधार के लिए बड़ा कदम बताया। नोटबंदी के सालगिरह पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि पिछले एक साल में बैंकों के पास पैसा बढ़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि नोटबंदी से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा ऐसा सरकार ने कभी दावा नहीं किया। आर्थिक सुधारों की दिशा में उठाया गया सरकार का ये एक कदम है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम लोग ये मानते हैं कि अगर इस देश को एक डेवलप्ड देश बनना है और आज हम लोग क्लेम करते हैं कि वी आर अमंगस्ट द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज तो एक लेस कैश इकोनॉमी बनना एक बड़ी फॉर्मल इकोनॉमी बनना एक क्लीनर इकोनॉमी बनना ये इस देश के लिए बहुत आवश्यक है। सरकार के नोटबंदी के फैसले से लोगों में परेशानी और मायूसी भी थी जिसे विपक्ष ने जमकर हवा दी। सरकार पर ये आरोप भी लगा दिया कि नोटबंदी के दिनों में एटीएम की लाइन में खड़े होने से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और सरकार ने उनके परिवार वालों को मुआवजा तक नहीं दिया। नोटबंदी के फैसले के एक साल बीत जाने के बाद भी ये सत्ता और विपक्ष के बीच सियासी मुद्दा बना हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही इस मौके को छोड़ना नहीं चाहती। नोटबंदी को एक साल बीत चुका है। इस दौरान रुपए ने वाणिज्यिक उतार चढ़ाव देखा। सियासत का पारा भी ऊपर नीचे हुआ। नोटबंदी ने काले धन पर कितनी लगाम लगाई और आम जन को इसका क्या फायदा हुआ, नए नोटों से गरीब को लाभ पहुंचा है या नहीं, ये अभी सियासी मुद्दा बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव हैं, लिहाजा नोटबंदी की पहली वर्षगांठ पर सर्द मौसम में भी सियासी पारा बढ़ रहा है। कांग्रेस के हमलों का जवाब देने के लिए बीजेपी ने 8 नवंबर को काला धन विरोधी दिवस मनाने का फैसला लिया है। बीजेपी के देशव्यापी कार्यक्रम को लेकर राज्य बीजेपी को निर्देश मिल गए हैं। 7 से 9 नवंबर के बीच प्रदेश भर में काला धन विरोध दिवस अभियान चलाया जाएगा और कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पिछले साल नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक का रुख सरकार से अलग दिखा। इसके बाद कई लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। आठ नवंबर 2016 को 1000 और 500 रुपए के नोटों पर लगी पाबंदी के बाद कई बार नोटबंदी के नियम कानून में बदलाव किया गया। एक नियम ये भी बना था कि 31 मार्च 2017 तक पुराने बंद नोट रिजर्व बैंक में जमा कराए जा सकेंगे लेकिन रिजर्व बैंक ने नोट जमा करने से इनकार कर दिया। लिहाजा रिजर्व बैंक के खिलाफ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए। वो पुराना पैसा 500 का और 1000 रुपए चलेंगे और उसके कुछ दिनों बाद में वो सारा बंद हो जाएगा। तो इन टर्म्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन डिसीजन
उस चीज़ को मैंने अपनी पिटीशन में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि मैं डिमोनेटाइजेशन के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन जिस तरीके से इसको करा गया है वो तरीका बिल्कुल भी कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक नहीं है। नोटबंदी को लेकर विपक्ष के हमले का केंद्र सरकार ने करारा जवाब दिया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यूपीए शासनकाल में हुए घोटालों को गिना दिया। एक साल बीतने के बावजूद नोटबंदी को लेकर सरकार और विपक्ष में खींचतान जारी है। विपक्ष ने सरकार के नोटबंदी को लूट करार दिया था। विपक्ष की आलोचनाओं का जवाब देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि लूट नोटबंदी नहीं है, लूट वो है जो कांग्रेस ने 10 साल किया है। लूट 2G है, कॉमनवेल्थ गेम्स हैं और कोल ब्लॉक आवंटन है। लूट तो वो होती है जो 2G में हुई, जो कॉमनवेल्थ गेम्स के कॉन्ट्रैक्ट में हुई, जो कोल ब्लॉक के एलोकेशंस में हुई। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस को जवाब देते हुए कहा कि नोटबंदी की तारीख 8 नवंबर पर आने वाली पीढ़ियां गर्व करेंगी। व्यवस्था में तो स्वाभाविक रूप से अधिक कैश होता है तो वो एक भ्रष्टाचार का एक केंद्र भी बनता है और कारण भी बनता है। वित्त मंत्री ने विपक्ष को जवाब देने के साथ ही नोटबंदी के फायदे भी गिनाए। उन्होंने कहा कि डिजिटल ट्रांजैक्शन में क्रांतिकारी बढ़ोतरी नोटबंदी का ही नतीजा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नोटबंदी के वक्त केंद्र सरकार के खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने नोटबंदी के फैसले का स्वागत कर सभी को चौंका दिया। रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी प्रधानमंत्री ने जिस दिन नोटबंदी का ऐलान किया था, सबकी नजरें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर टिकी थी, क्योंकि नीतीश के करीबी शरद यादव और सत्ता में उनके भागीदार रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने नोटबंदी का जमकर विरोध किया था, लेकिन नीतीश कुमार ने नोटबंदी के पक्ष में बयान देकर देश को चौंका दिया था। नोटबंदी हो जाएगा तो क्या, तो उसको बैंक में जमा करेंगे लोग किसी न किसी के बहाने। ये भ्रष्टाचार, काला धन, गड़बड़ी के खिलाफ अगर कुछ भी होता हम साथ। नीतीश कुमार के नोटबंदी पर सरकार के पक्ष में दिए गए बयान के बाद ही मोदी और नीतीश की दूरियां कम होने लगी थी, जिसका नतीजा बिहार में बीजेपी और जेडीयू का गठजोड़ के रूप में सामने आया। नोटबंदी को लेकर लोगों की राय भी बटी हुई दिखी। ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जिन्होंने नोटबंदी को सही करार दिया। नोटबंदी पर विपक्ष का सरकार पर सबसे बड़ा हमला यही है कि सरकार ने नोटबंदी का फैसला करके देश की जनता से धोखा किया है। सरकार ने अपना पक्ष रख दिया है कि ये फैसला देश हित में है। नोटबंदी के एक साल पूरे होने पर बिहार के पटना के लोगों की क्या राय है, ये भी सुनिए। मेरा अनुभव तो बहुत अच्छा रहा है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई है। ये एक तरह का हम लोग मोबाइल फॉर्मेट करवाते हैं, कंप्यूटर फॉर्मेट करवाते हैं, तो एक बार कैसे सब चेंज होता है, ऐप्स सब रेडी होने में टाइम लगता है, ये भी उसी तरह का एक चीज हुआ। जो ब्लैक मार्केटिंग या दो नंबर का काम करते थे उनके लिए खराब रहा होगा, लेकिन हम लोगों के लिए अच्छा रहा। थोड़ा सा परेशानी शुरुआत में हुआ था, बट कुछ ज्यादा परेशानी नहीं हुआ, लेकिन जो भी हुआ अच्छा हुआ है। नोटबंदी का सबसे ज्यादा असर व्यापारी वर्ग पर पड़ा, लेकिन अब ज्यादातर कारोबारी इस फैसले से खुश हैं। नोटबंदी पर सरकार और विपक्ष के सुख दुख वाले आंकड़ों के बीच जनता की अपनी राय है। जम्मू में माता वैष्णो देवी मंदिर में देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालु नोटबंदी के बाद शुरू हुई कैशलेस व्यवस्था से काफी खुश हैं। उनके मुताबिक नोटबंदी के शुरुआती दिनों की परेशानी को छोड़ दें तो उन्हें अब इस व्यवस्था की अच्छी आदत पड़ गई है। धीरे धीरे काफी इम्प्रूवमेंट आए हैं नोटबंदी के बाद और ये अच्छी साइन है, और हम यही चाहते हैं कि आगे और डिजिटलाइजेशन बढ़े। नोटबंदी का हमें तो कोई असर नहीं हुआ, अच्छा है, मोदी साहब ने जो काम किया बहुत बढ़िया काम किया है, कोई तकलीफ नहीं है, माता जी के द्वार पर आए। विपक्ष का कहना है कि छोटे व्यवसायी नोटबंदी के फैसले से लुट गए, लेकिन कारोबारियों का क्या कहना है ये सुनिए। स्टार्टिंग में छोटी कोई प्रॉब्लम चली थी तो पहले कस्टमर को इतना नहीं पता कि पेटीएम या कार्डलेस कैश पेमेंट कैसे करनी है, कार्ड से पेमेंट कैसे करनी है, तो बहुत ही अच्छा स्टेप मैं सोचता हूँ कि जो गवर्नमेंट ने उठाया। पिछले साल 8 नवंबर को नोटबंदी के बाद लोगों को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब एक साल बाद लोगों की सोच में बदलाव हुआ है।
सरकार का कहना है कि नोटबंदी के फैसले पर विपक्ष सरकार का दुष्प्रचार कर रही है। नोटबंदी के बाद यूपी के चुनावों में हुई जीत नोटबंदी के फैसले को सही साबित करते हैं, लेकिन 8 नवंबर 2016 की वो रात कुछ लोगों पर बिजली बनकर गिरी थी। जैसे जयपुर के संजय काला, इनके घर शादी थी, 9 तारीख को मेहंदी थी और सुबह मेहमानों के नाश्ते के लिए खरीदारी करने को पैसे नहीं थे। ऐसे कई लोग थे जिन्हें परेशानी हुई थी। 9 तारीख को सुबह ही हमारे मेहंदी का प्रोग्राम था और गेस्ट भी बाहर से आना शुरू हो चुके थे, 9 तारीख को आने वाले थे मतलब, और 8 तारीख की रात को जब ये घोषणा हुई तो अपने पास संभलने का मौका भी नहीं था और ये समझने का मौका भी नहीं था कि असल में क्या क्या होगा। तब छोटे कारोबारियों पर भी नोटबंदी का असर पड़ा था, लेकिन एक साल बीतने पर उनकी सोच में भी बदलाव आया है। अभी ये पेमेंट के बारे में कोई नहीं पूछ रहा है, यहाँ तो जो सामान लिया वो नगद पैसे देके ले जाते हैं। नहीं, जैसे लोग कार्ड लेके ही नहीं आते या पैसे ही नगद देते? नगद ही पैसे देते, कार्ड का तो कोई बोलता ही नहीं है यहाँ। नोटबंदी के फैसले को लेकर कुछ व्यापारियों ने एक साल बाद नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि नोटबंदी ने छोटे कारोबारियों को नुकसान पहुंचाया। यूपी के मुरादाबाद में कारोबारी विपक्ष के दावों की पुष्टि कर रहे हैं। वो मानते हैं कि एक साल पहले 8 नवंबर को लिए गए फैसले ने उनके कारोबार को बर्बाद कर दिया। मुरादाबाद की ब्रास इंडस्ट्री के लिए वो रात काली रात साबित हुई। मुरादाबाद के कारोबारियों का कहना है कि नोटबंदी के बाद कारोबार 25% कम हुआ, तो रही सही कसर जीएसटी ने पूरी कर दी। कानपुर के लेदर कारोबारियों को नोटबंदी से खासी परेशानी हुई है। उनका दावा है कि नोटबंदी उनके लिए कारोबार बंदी जैसा फैसला साबित हुआ है। सरकार नोटबंदी पर अपनी पीठ थपथपा रही है। विपक्ष नोटबंदी को मुद्दा बनाकर वोट बटोरने की फिराक में है, लेकिन कानपुर के चमड़ा कारोबार पर नोटबंदी का क्या असर पड़ा ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। ऐसी सब मौजूदी सरकार में व्यापारियों का क्या हाल हुआ है, ये व्यापारी के अलावा कोई दूसरा आदमी नहीं बता पाएगा। नोटबंदी ने देश भर में अजब गजब माहौल भी बनाया। जिस एटीएम की लाइन में लोग नोटों का इंतजार करते थे, वहां किसी को हम सफर भी मिल गया। सरकार के नोटबंदी के फैसले से कोई खुश है तो कोई नाराज। लोग नाराज उस वक्त भी थे जब उन्हें पैसों के लिए एटीएम की लाइन में लगना पड़ता था, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका एटीएम की लाइन में ही घर बस गया। बिहार के कटिहार में एटीएम की लाइन में ऋचा को प्यार हुआ और फिर शादी। मिलन तो हमारा ऐसा है कि हम जाते थे एटीएम पैसे निकालने के लिए नोटबंदी के समय में, और मैडम भी वहीं पे रहती थी नोटबंदी के चक्कर में, लेकिन इनको देख के मुझे हेल्प करने की सूझ गई और उसी दौरान हम लोग के बीच में प्रेम बढ़ गया और परिवार की आपसी रजामंदी से हम लोगों ने शादी कर ली। तो 8 नवंबर 2016 को जब नोटबंदी का फैसला हुआ तो पुराने और नए नोटों की तलाश के बीच कैशलेस का ऑप्शन सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ। देखिए कैशलेस शादी का किस्सा। देश भर में नोटबंदी के बाद कई दिलचस्प घटनाएं हुई, कहीं एटीएम की लाइन में प्यार तो कहीं कैशलेस शादी। नोटबंदी की सालगिरह पर शादीशुदा जोड़े ने कैशलेस शादी का किस्सा सुनाया। तो नोटबंदी को लेकर जो सत्ता पक्ष है विपक्ष है उसके अपने अपने तर्क हैं, आंकड़ों का पिटारा खोल दिया है, और इस सबके बीच जो जनता है उसकी अपनी ही कहानी है।